आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन में मुक्त हूँ। महाराष्ट्र में मोबिना को यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ कुछ पेशेंट्स हमारे तरफ एक अलग अलग सिम्टम्स लेके आते हैं, और लोगों को जागरूक करना कि वो साइकियाट्रिक सिम्टम्स है, उसके लिए इलाज हो सकता है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अभी देखिए, कुछ मैं पेशेंट्स लोगों के जो सिम्टमेटिक प्रेजेंटेशन हमारे तरफ हुए, कुछ सिम्टम लेके आए, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं देख आपको बताऊंगा तो आपको याद आएगा कि आपके भी आजू बाजू ऐसे लोग होंगे, तो जरूर उनको अपने साइकेट्रिस्ट के सलाह करने के लिए बोल देना। देखो, ये एक युवक है, अंदाजे 22 23 साल की उम्र है, और उसको बार 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 एक ही सोच आती है कि भाई वो लेडीज के प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रहा है, ब्रेस्ट की तरफ देख रहा है या नीचे प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रहा है। और फिर वो ऐसा उसकी नज़र गई कि उसको बहुत ही गिल्टी फील होता है। फिर उसके सीने में झंझनाहट होती है, दिमाग में झंझनाहट होती है, चेस्ट में भी कैसा कैसा लगने लगता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, लोग क्या बोलेंगे ऐसा उसको लगता है। तो ये एक ऑब्सेशन है, और इसका इलाज बाकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे हो सकता है। फिर दूसरा ये गया, इनकी उम्र काफ़ी मतलब सीनियर है, और उनकी उम्र 60 साल की है। उनको प्रॉब्लम यह है कि उनको नींद नहीं आती, और उनको बहुत ही कोरोना का डर है, पसीना पसीना आ जाता है विचार आने के बाद में, घबराहट होती है, टेंशन आता है। और अभी वो जब से कोरोना चालू हो गया तो मार्च एंड से अभी तक वो घर में बैठे हुए हैं, बाहर जाते आते नहीं है, फिर गंदा बैठ गया है, और खुद का उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो पहले से ही वो मास्क पहनते थे, अभी तो डबल मास्क पहनना चालू किया। अब तो उनको बहुत ही डर, डॉक्टर साहब ने बोला है कि बाहर बिल्कुल निकलने का नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और बार 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 डर आता है कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, अब क्या करना है। तो इतनी नकारात्मक सोच है और इतना विचार आता है, वही 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 विचार आते जाएगा। ये भी एक ओसीडी है और कोरोना फोबिया भी है। अब ये एक तीसरे पेशेंट है, इनको बहुत डर है, बहुत ज़्यादा डर, और बहुत ज़्यादा डर ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई मतलब मुझे मैं मर जाऊँगा, ऐसा बार बार मैं तो मर ही जाऊँ, अटैक आ जाएगा, और अटैक आके सीवियर अटैक आके मैं खलासी हो जाऊँगा। फिर वो उनको लगता है कि भाई ऐसा अटैक आके मरना उससे अच्छा खुदकुशी करेंगे तो अच्छा है, मतलब अपने हिसाब से तो भी मरेंगे अपने को जब चाहते, तो डर भी लगता है, आत्मविश्वास बिल्कुल कम, कॉन्फिडेंस के साथ में किससे बात नहीं कर सकते, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है, नर्वसनेस है, सैडनेस है, और उनको जीने लगता नहीं, ये सब विचार चालू है। तो उत्साह बिल्कुल नहीं है, जोश नहीं, जुनून नहीं, खुशियाँ नहीं कुछ भी, और उनको लगता है कि भाई अपने को अटैक आ जाएगा, और बार 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 वही विचार आते रहता है, अटैक आ जाएगा, अटैक आ जाएगा, और उनको वो कोई दूसरा विचार आता ही नहीं। पिछले 5-6 महीने से जब से कोरोना, ये भी कोरोना का विक्टिम हो गया, और कोरोना आ गया तब से इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर ये जो व्यक्ति है, इनको ऐसा है कि करीब करीब 20 साल पहले उनके ग्रैंडफादर का निधन हुआ, मृत्यु हो गई, और तब से उनके पिताजी को, इनके पिताजी को प्रॉब्लम है। अभी ये जो है, ये है 50 साल के व्यक्ति, इनका लड़का मुझे फ़ोन कर रहा है, और इसका कहना ये है कि पिताजी के पिताजी जब गुजर गए 20 साल पहले, तब से इनको प्रॉब्लम है, वो अटैक से गुजर गए और तब से उनको ये तकलीफ शुरू हो गई, मतलब 20 साल से तकलीफ है, वो काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, भुलक्कड़पना है, फिर नकारात्मक सोच आती रहती है बार 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 बार, किसी के साथ में बातचीत नहीं कर सकते सीधी, बहुत टेंशन, चिंता, एंग्जाइटी आ जाती है, और पिछले 5-6 महीने से ये कोरोना आ गया तब से तो उनको बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस, डिप्रेशन, सैडनेस आया हुआ है, नींद अच्छी लगती नहीं है, कंटिन्यू डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं, हिलते भी नहीं है, और ऐसा बोलते कि मैंने खुदकुशी करना चाहिए। और ये 20 साल से, अभी 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया, और विचार बार बार आते रहते हैं, ये भी थॉट का प्रॉब्लम है। फिर एक ये अनदर व्यक्ति है, दूसरा ये 30 साल का लड़का है, इनको लगता है कि मैं बीमार हूँ, और बार बार उनको विचार आता है कि मैं बीमार हूँ, और जब विचार आता है तो उनको डर लगता है, फिर कुछ गमता नहीं है, फिर उनका ख्याल श्वास की तरफ जाता है कि देखो श्वास में तकलीफ तो नहीं हो रही मेरे को, फिर नींद कम है, सीने में बहुत धड़कन आती है, धड़ 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 शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है उनको कि भाई मैंने पास्ट में कोई गलती की हुई है और अभी उसको मेरे को ठीक करने का है। अब जब गलती क्या किया मैंने पूछा तो बताने को तैयार नहीं, मगर मैंने जब उनको आश्वासन दिया, मत पूछा, मैंने बोला आपका नाम नहीं बोला जाएगा, तो मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि मैंने कुछ साल पहले
एक विषय से संबंध किया था और तब से मुझे दिमाग में ये आ गया कि मुझे HIV हो गया और यह हो जाएगा। अब बार बार मैंने टेस्ट भी किया है तो भी लगता है कि नहीं HIV हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैं मेंटल पेशेंट नहीं हूँ, मगर तभी विचार तो आते हैं, दिमाग शांत नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं कायम है, और विचार आता है कि HIV का, कि भाई HIV हो गया, HIV हो जाएगा, ऐसा कुछ तो भी विचार आते रहता है। तो ये भी एक OCD का है, मतलब OCD कुछ भी, कैसा भी प्रेजेंटेशन OCD का हो सकता है, बार बार विचार आना विचारों का ही प्रॉब्लम है। मैं एकदम लोगों को बोलता हूँ कि भाई आपको विचार आ रहे हैं, अभी आपको विचारों के साथ जीना कैसे वो सीखना पड़ेगा, कि भाई ये एक ऑटोमेटिक मशीनरी है, ऑटोमेटिक थॉट प्रोड्यूस कर रही है। वायरस जैसा घुस जाता है खाली सॉफ्टवेयर में, वैसे वायरस घुसा हुआ है और वो ऑटोमेटिकली आपसे बातचीत चालू है, नकारात्मक नकारात्मक कंटिन्यू बातचीत चालू, और आप उसको महत्व दे रहे, आप उसको सिग्निफिकेंस दे रहे हो। सिग्निफिकेंस बंद करने का है, ऑटोमेटिसिटी जो है उसकी, उसको चलने देने का, और आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप एंटी ऑब्सेसिव दवाई लेते हैं तो इसका बहुत फायदा हो जाएगा। उसके साथ मैं हिप्नोथेरेपी लोगों को सिखाता हूँ, जिससे उनका मन शांत होना, विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन में रिलैक्स रहना और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, ये भी सिखाते हैं दवाई के साथ साथ, और उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो। तो बार बार है ना वही विचार आते हैं, बार बार नकारात्मक विचार, काम ही नहीं कर सकता। डेफिनेटली लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।